तो क्या हाल चाल है सबके। भैया मैं बात करने जा रहा हूँ टीवी सीरियल्स के बारे में। टीवी सीरियल एक ऐसे दूषित पानी का गहरा दरिया है, अगर कोई इसमें गलती से गिर जाता है तो वो बंदा अपनी कॉमन सेंस, अपनी इंटेलिजेंस और अपनी याददाश्त को भी भूल जाता है। वो भूल जाता है कि असली दुनिया ऐसी नहीं चलती जैसे कि वो टीवी सीरियल्स में देखता है। वास्तविकता के साथ जागो, ये श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती। लेकिन ये बात तो टीवी सीरियल वाले कभी समझेंगे ही नहीं और हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन इनके ऐसे अजीबोगरीब कारनामे तो देख ही सकते हैं। तो चलो भाई बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। टीवी सीरियल्स में हमको बहुत बड़ी ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जिसमें ग्रेविटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अब जैसे कि आप इस सीन में देख लो, इतना हल्का सा टच होने पे तो मूवीज के गुंडे भी नहीं उड़ते, लेकिन ये दीदी हल्का सा टच होने पे हवा में उड़ जाती हैं और जमीन पे गिरने लग जाती हैं। लेकिन ये जमीन पे गिरेंगी नहीं क्योंकि इस जगह पे ग्रेविटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिस हिसाब से इस बंदे ने इस लड़की को इतनी ऊपर से गिरने के बावजूद कैच किया है, मैं इस बंदे से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहूंगा, हलवाई क्या जो इतनी आराम से कैच कर लिया। माना कि इन्होंने इस जगह पे से ग्रेविटी नाम का नामोनिशान मिटा दिया था, लेकिन साथ साथ में लगता है इन्होंने टाइम भी रोक दिया था। जहाँ से ये दीदी गिरी थी वहीं पे से ये बंदा ऊपर से नीचे आ गया, और इससे भी बड़ी बात ये कि ये बंदा ऊपर से नीचे आके इन दीदी को कैच कर लेता है और इन दीदी की जान भी बचा लेता है। वाओ, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। प्रकृति की ताकत को अपना हथियार बनाकर आज मैं अपनी मांग का सिंदूर मिटाऊंगी। अरे भाई ये चल कह रहा है, किसी के माथे पे का सिंदूर मिटाने के लिए इन दीदी ने आसमान में अपने हाथों से तीर कमान छोड़ा, और जब वो तीर कमान बादलों में लगा तो एक बहुत भयंकर बारिश हो गई। ये देखने के बाद एक मौसम विभाग का साइंटिस्ट सदमे में चला गया। इतनी बड़ी और इतनी भयंकर टेक्नोलॉजी तो दुनिया भर के साइंटिस्ट आज तक निकाल नहीं पाए, लेकिन ये टीवी सील वाले पता नहीं कैसे बना लेते हैं। पता नहीं दीदी ने छोटे से काम के लिए अपने कुदरत के नियमों को तोड़ के बारिश करवाई, इतना पानी वेस्ट किया। इससे अच्छा आप अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करती और ये बारिश वहाँ पे करवाती जहाँ पे ना तो पानी है ना ही बारिश होती है। लोगों की दुआएं तो मिलती हैं आपको, लेकिन जैसा काम आपने किया है ना आपको तो लोग गालियां देंगे। ऐसे कैसे चलेगा दीदी, तुम कितनी घटिया और कितनी गिरी हुई लड़की, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अच्छा 1 minute later भाई यही वो बंदे होते हैं जिनकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं होती। इनकी बातें ऐसे बदल जाती हैं जैसे कि आजकल का मौसम, कभी धूप कभी छांव कभी बारिश कभी ठंड। अब आप ही बताओ इन पलटू लोगों को क्या मिलना चाहिए दंड। अरे ए मारो इसको। एक तो भाई टीवी सीरियल्स वालों की ये पुरानी आदत है कि इनके पास असली का सिंदूर लाने का बजट ही नहीं होता। ये लोग कभी खून से, होली के रंग से और कोई भी लिक्विड या पाउडर जिसका रंग लाल है उसको मांग में लगा के मांग भर देते हैं। शाबाश भाई, अगर आपके सामने आग लग जाए तो आप क्या करोगे? अगर वो आग छोटी मोटी होगी तो आप पानी से या फिर इस यंत्र से बुझा दोगे, लेकिन अगर वो आग ज्यादा बड़ी होगी तो आपको बुलानी पड़ेगी फायर ब्रिगेड। लेकिन टीवी सीरियल्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आग को बुझाने के लिए टीवी सीरियल्स की बहुएं अपने मुंह में से इतनी भयंकर हवा मारती हैं कि पूरी की पूरी आग बुझ जाती है। एक तो भाई टीवी सीरियल्स में कोइंसिडेंस बहुत ही ज्यादा होते हैं, कोइंसिडेंस के चलते यहाँ पे कोई भी रस्म कैसे भी हो जाती है। अब जैसे कि आप इस सीन में देख लो, इस सीन में एक बंदा घर के गेट के बाहर पेंट कर रहा होता है और उसके हाथों से गलती से फर्श के ऊपर पेंट का डिब्बा गिर जाता है, वो भी रेड कलर का, और ये लड़की आंखें होते हुए भी अंधा होने की एक्टिंग करती है और इस पेंट के ऊपर पैर रख के घर के अंदर एंटर हो जाती है, जिससे गृह प्रवेश की रस्म पूरी हो जाती है। क्या? अगर इन दीदी की जगह पे कोई और बंदा होता ना, उसके पैर पे पेन लग जाता तो उसको पता चल जाता कि मेरे पैरों पे कुछ ना कुछ तो लगा है। लेकिन इन दीदी की बॉडी का सेंसर तो खराब हुआ पड़ा है जो कि इनके दिमाग को सही जानकारी नहीं दे पा रहा, और इनकी बॉडी में क्या हो रहा है क्या चल रहा है इनको पता ही नहीं चल पा रहा। भगवान, वाह वाह, ये सीन है कॉन्सिडेंस का एक बहुत ही अद्भुत करिश्मा। इस सीन में ये बंदा मंगलसूत्र पहनाने वाला होता है इस लड़की को, पर ये कुदरत को मंजूर नहीं था और ये ऊपर बंधी हुई घंटी पता नहीं कैसे निकल के नीचे गिर जाती है, वो भी सीधा इस लड़के के हाथ के ऊपर। भाई अगर ऊपर से इतनी भारी घंटी किसके हाथ पे गिरे तो उसके हाथ में पकड़ी हुई चीज भी नीचे गिर जाएगी, लेकिन इस बंदे ने तो मंगलसूत्र को हवा में ऐसे झटका जैसे कि इसके हाथों के ऊपर घंटी ना गिरी हो बल्कि किसी सांप ने डंक मार दियो, और फिर ये मंगलसूत्र हवा में उड़ते उड़ते सीधा पड़ जाता है इन दीदी के गले में, और इस कॉन्सिडेंस के चलते इन दीदी की हो जाती है शादी।
भैया टीवी सीरियल्स वाले पता नहीं कौन सी दुनिया में जाते हैं कि इनकी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। ये लोग दिन को रात कर सकते हैं और रात को दिन। इन दीदी ने चांदनी रात को सुबह बनाने के लिए अपने बुलावे से एक सूरज को धरती पे बुला लिया। पता नहीं इनको ऐसी शक्तियां देता कौन है, इनके पास ऐसी शक्तियां आती कहां से। मतलब कि इनके हिसाब से ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड इनके कंट्रोल में है। ये जब चाहे किसी भी चीज को बुला सकते हैं, रात को दिन कर सकते हैं, दिन को रात कर सकते हैं, समय को रोक सकते हैं और कभी कभी तो ये मरे हुए बंदों को जिंदा भी कर देते हैं। ये बंदा मर चुका था, चीता के ऊपर था, चीता को आग लग चुकी थी, लेकिन इन दीदी ने पता नहीं कौन से ऐसे मंत्र पढ़े, कौन सा ऐसा जुगाड़ लगाया कि ये बंदा फिर से जिंदा हो गया। मैंने कहा था ना इनके लिए पूरी दुनिया पूरा ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, तो किसी मरे हुए बंदे को जिंदा करना तो बहुत छोटी बात है इनके लिए। बात तो सही है। ये टीवी सीरियल्स वाले बार बार बंदों को जिंदा करके धरती की पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। इन्हीं से तंग आके थानोस ने पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन को खत्म करने का फैसला लिया था, क्योंकि उसको पता था कि ये टीवी सीरियल वाले तो किसी को मरने नहीं देंगे और जो मरेगा भी उसको भी ये पता नहीं कौन कौन सी बकचोदियां करके जिंदा कर देंगे। इससे अच्छा है पूरी दुनिया की आधी जनसंख्या को मैं ही खत्म कर दूं। मस्त प्लान है भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को कोई बात समझा रहे होते हैं तो उसको समझ नहीं आती, क्योंकि जो लाइनें हम बोल रहे होते हैं उनमें ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि सामने वाले बंदे को समझ में नहीं आते, तो ऐसे में कोई तीसरा बंदा आता है जो कि उस बंदे को हमारी बात को समझाता है। ऐसे ही कुछ सीन्स हमको टीवी सीरियल्स में भी देखने को मिलते हैं। भागो चकोर! चकोर रन! चकोर भागो! अब आप सब लोगों को लगेगा कि ये लड़की भाग क्यों नहीं रही है, दौड़ क्यों नहीं रही है, रेस हारना चाहती है क्या? लेकिन नहीं, ये लड़की इसलिए नहीं भाग रही क्योंकि इस लड़की को भागने का मतलब ही नहीं पता। जब हर कोई इस लड़की को समझा समझा के बोल बोल के थक जाता है तो एंट्री लेते हैं ये भाई साहब। दौड़ो चकोर, दौड़ो। भागने की जगह पे इन भाई साहब ने दौड़ने शब्द बोला और इस वर्ड को सुन के चकोर को समझ आ जाता है कि लोग इसको क्या कह रहे थे और ये दौड़ने लग जाती है। ये लड़की दौड़ने तो लग गई, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये लोग इस लड़की को लगभग 5-10 मिनट बोलते रहे और इतने समय में ये बाकी के बच्चे सिर्फ यहीं तक दौड़ पाए। पर बस इतना ही नहीं, ये लड़की आखिर में जाके रेस को जीत भी जाती है। मतलब कि जो चीज इम्पॉसिबल है उस चीज को भी ये टीवी सीरियल वाले पॉसिबल कर देते हैं। सही बात है भाई। आपने ये डायलॉग तो बहुत बार सुना होगा कि आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, लेकिन आंखें निकालना उतना आसान नहीं होता जितना कहना। पर टीवी सीरियल वालों के लिए ये बात भी छोटी सी है, ये लोग तो अपनी खुद की आंखें भी निकाल सकते हैं। काली मिर्च कम। इस सब क्या देखना पड़ रहा है भाई। अगर किसी आम इंसान की आंखों में धूल मिट्टी पड़ जाती है तो वो बंदा अपनी आंखों में पानी के छींटे मार के आंखों को साफ कर लेता है, पर ये टीवी सेल वाले अपनी आंखों को निकाल के पानी में धो के फिर से लगा लेते हैं और ये ऐसी नौटंकियां करते रहते हैं। लेकिन आज के लिए इतनी नौटंकी बहुत है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।